हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपनी पेन ड्राइव को, मेमोरी कार्ड को, इसके अंदर जो है पार्टीशन कैसे करेंगे। तो सिंपली गूगल में आपको सर्च करना है बूटिस डाउनलोड और आपको सेकेंड लिंक मिलेगी firehouse.com की, इसके ऊपर जो है आप सभी को क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो है आप firehouse की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे और यहाँ से जो है आपको इस सॉफ्टवेयर का वर्जन सेलेक्ट करना है, जो भी लेटेस्ट वर्जन हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद आपको जो है एक बार यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये सॉफ्टवेयर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका साइज लगभग 880 KB है, ठीक है, यानी 1 MB से भी कम का सॉफ्टवेयर है। तो देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं डेस्कटॉप पर ले आता हूँ, तो यहाँ से इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, इसको कर देता हूँ क्लोज। अब आपको क्या करना है, इस जिप फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं और अनजिप इसको फटाफट कर देते हैं। राइट क्लिक करना है आपको और जो है आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू बूटिस वर्जन जो भी दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है फोल्डर दिख जाएगा और इस फोल्डर के अंदर जो है आपको 64-bit और 32-bit दोनों के ही वर्जन जो है आपको शो हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ माई कंप्यूटर में जाके कि मैंने यहाँ पे जो है अपनी पेन ड्राइव लगा रखी है। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर बॉट ड्राइव 32 GB की है, 29.7 GB का स्पेस इसके अंदर दिखा रहा है। तो मैं अपने केस में यहाँ पे 64-bit का वर्जन जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ बूटिस का। तो आप अगर आपका 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 32 का इस्तेमाल कीजिए। तो इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से रन करता हूँ तो मेरे सामने जो है ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है पहले तो टोशिबा ये मेरे हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा है, HDD देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे जो आपको ड्राइव सिलेक्टर शो हो रहे हैं इसमें CDEF, मैं आपको इसे क्लोज करके दिखा देता हूँ, तो इसको नीचे कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरी हार्ड ड्राइव्स के बारे में दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं RM के बारे में करता हूँ यानी रिमूवेबल मास स्टोरेज, तो यहाँ पे देखिए 29.8 GB की वाली ड्राइव है, इसको जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेरे को इसी ड्राइव में चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल रहा है और भी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर नहीं आ रहा तो एक बार रिफ्रेश कर लेना। अब आपको पार्टीशन मैनेज पे जो है मैनेजमेंट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल्स जो है ड्राइव की आपको शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको री पार्टीशन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये ऑप्शंस जो है आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम सिंगल पार्टीशन नहीं मल्टीपल पार्टीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिप मोड, FDD मोड, तो यहाँ पे हम USB HDD मोड मल्टी पार्टीशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम मैक्सिमम 4 पार्टीशन जो है अपनी पेन ड्राइव के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 पार्टीशन यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो जितनी भी आपकी GB की पेन ड्राइव होगी वो उतने पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगी। मेरे केस में 32 की है तो ये जो है 8 GB की 4 पार्टीशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए। आप चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, चाहे तो 3 भी रख सकते हैं। तो MBR पार्टीशन आपको यहाँ टेबल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपली आपको ओके प्रेस कर देना है। अब ये देखिए फॉर्मेट हो जाएगा, जैसे फॉर्मेट होगा सक्सेसफुल मैसेज आ गया ओके, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके सामने जो है 4 ड्राइव्स शो हो रही होंगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये चारों ड्राइव आपको शो हो रही है। ये मैं आपको पेन ड्राइव को पहले मैं आपको इजेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए जितने नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ये नई नई पेन ड्राइव्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए इसको पहले मैं इजेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए एक साथ चारों चले गई। अब मैं इस पेन ड्राइव को दोबारा से अटैच करता हूँ अपने USB पोर्ट में। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको अटैच करूँगा तो यहाँ पे चारों पेन ड्राइव्स शो हो जाएगी, चारों ड्राइव्स यानी पेन ड्राइव एक है और एक पेन ड्राइव के अंदर 4 ड्राइव्स हमने बना रखी है। तो देखा फ्रेंड्स ये ट्रिक्स जो है कितनी अच्छी है, कितना काम आ सकती है। अगर आप अपने पेन ड्राइव के किसी पार्टीशन में कोई इंपॉर्टेंट डेटा रखना चाहते हैं और दूसरी को ओपन रखना चाहते हैं तो एक को बिट लॉकर से आप लॉक कर दीजिए और दूसरी को ओपन रखिए। अब जानते हैं कि इसको अगर हमें रिपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। मान लो कि आपको अब ज़रूरत नहीं है 4 ड्राइव्स रखने की, तो अगर एक को रखना है तो कैसे करना है, तो दोबारा से आना है, सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, अपनी जो आपकी पेन ड्राइव है उसको सिलेक्ट करना है। तो पार्टीशन मैनेजमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे डेटा शो होगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, तो हमें यहाँ पे जो है रीपार्टीशन करना है सबका और इसको USB टू सिंगल पार्टीशन करना है, USB HDD मोड सिंगल पार्टीशन, इसके ऊपर जो है आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से मैं फाइल सिस्टम NTFS सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहे तो FAT32 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपली आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो गई है, प्रोसेस आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो ये 100% जैसे ही हो जाएगा तो बूम, आप देख सकते हैं कि आप सभी के पास पेन ड्राइव आ चुकी है। तो देखा फ्रेंड्स आप सभी ने, हमने यहाँ पे पेन ड्राइव को जो है
डबल पार्टीशन करना सीखा, चार पार्टीशन करना सीखा, और ये भी देखा कि अगर आपको सिंगल पार्टीशन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जितने चाहे वैसे पार्टीशन आप रख सकते हैं, दो तीन, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।